हेलो दोस्तों, ऑनलाइन तैयारी में आप सबका स्वागत है। मैं अजय त्रिपाठी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं जुलाई मंथ की टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जो इस मंथ टॉप 10 में अपना स्थान बनाने में कायम रही हैं। उन जॉबों को हम यहाँ पे आज देखेंगे और जानेंगे कि जो इस मंथ की टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो कौन सी हैं। तो चलिए हम सबसे पहली जॉब पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली जो हमारी गवर्नमेंट जॉब टॉप 10 की लिस्ट में है वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के द्वारा निकली ग्राम सचिव भर्ती 2019। इसके लिए टोटल जो वैकेंसीज आपकी निकली हैं, मेल कांस्टेबल के लिए 5,000 पोस्ट हैं, फीमेल कांस्टेबल के लिए आपकी 1,000 पोस्ट हैं और सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 400 पोस्ट के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए आवेदन करने की आपकी एज जो है 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और इसको आवेदन करने के लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। अगर आप कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए और यदि आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है और साथ ही आपको जो हाई स्कूल में हिंदी या संस्कृत को एक विषय के रूप में आपने लिया ले रखा हो या फिर इसके आगे की कक्षा में आपने एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत को लिया हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 जुलाई 2019 है आवेदन करने की और इसके लिए आपको जो आवेदन शुल्क है वो 150 रुपये अदा करना होगा यदि आप सामान्य वर्ग से हैं। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और फीमेल वर्ग से बिलोंग करती हैं तो आपको 50 रुपये और यदि आप रिजर्व क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको 25 रुपये और यदि आप फीमेल रिजर्व क्लास से बिलोंग करती हैं तो आपको 13 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। तो ये जानकारी थी हमारी पुलिस भर्ती जो हरियाणा में चल रही है उसके बारे में। अब हम अगली जॉब को देखते हैं जो हमारी टॉप 10 की लिस्ट में है। जो हमारी अगली जॉब है वो इंडियन एयरफोर्स में एक्स एंड वाई ग्रुप रिक्रूटमेंट 2019 है। तो एक्स वाई ग्रुप के लिए आवेदन पत्र भारतीय वायुसेना द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। इसकी टोटल वैकेंसीज अभी जो है घोषित नहीं की गई है और इसको आवेदन करने के लिए आपकी उम्र जो है 18 से 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप ग्रुप एक्स के लिए ट्रेड्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 10+2 जो है आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ होना चाहिए और साथ ही आपको 10+2 में 50% अंक अर्जित करने होंगे और इसके साथ ही आपने जो है इंग्लिश में 50% अंक हासिल किए हों। ग्रुप वाई के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका जो 12वीं कक्षा है वो आपने 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, साथ ही आपने 50% मार्क्स इंग्लिश में आवश्यक रूप से प्राप्त किए हों। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है आवेदन करने की और इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 250 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर आपको फॉर्म भरते समय अदा करना होगा। तो जो भी युवक इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। और यदि आपने 10+2 पास कर रखी है और आपकी एज जो है 17 से 21 साल है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो हमारी वैकेंसीज है वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO रिक्रूटमेंट 2019। इसमें आपके 778 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं जिसके तहत व्हीकल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और अदर पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अर्थात जो वाहन मैकेनिक होते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनकी पोस्ट में है और यदि आप इस पद के लिए आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो हाई स्कूल के साथ आपने ITI कर रखी हो तथा आपकी एज जो है 17 से 27 साल के बीच होनी चाहिए तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2019 है और आपको आवेदन शुल्क के रूप में 50 रुपये अदा करना होगा। ये इसके जो आवेदन है वो ऑफलाइन किए जा रहे हैं और इसकी अधिकांश जो अधिक जानकारी के लिए आप जो PDF इसमें अटैच किया गया है वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक के माध्यम से आप इसकी समस्त जानकारी देख सकते हैं। अगली जो हमारी जॉब है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC में कैनाल पटवारी का है। तो कैनाल पटवारी की जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं या भर्ती हो रही है वो इरिगेशन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट यानी कि सिंचाई और जल विभाग हरियाणा पंचकुला के तहत होंगी और इसके लिए 1100 पद निकाले गए हैं। तो जिन उम्मीदवारों की एज जो है 18 से 42 साल है और उन्होंने ग्रेजुएट यानी कि स्नातक कंप्लीट कर रखी है किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से और हिंदी संस्कृत को उन्होंने अपने हाई स्कूल के स्तर पर लिया हो या आगे के एजुकेशन में हिंदी या संस्कृत को अपना एक विषय के रूप में रखा रहा हो तो वो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसको आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 17 जुलाई 2019 है और आवेदन फीस जो इसके लिए रखी गई है वो सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये है। सामान्य वर्ग से तात्पर्य की जो
हरियाणा के सामान्य वर्ग हैं उनसे है, तथा जो अदर स्टेट से जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो भी जनरल कैटेगरी में शामिल होते हैं और उनको जो है 100 रुपये अदा करना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं, रिजर्व कैटेगरी से भी हैं, तब भी आपको जो है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के तहत ही आवेदन करना होगा। यदि आपका हरियाणा में निवास है और आप जनरल फीमेल हैं तो आपको 50 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। यदि आप रिजर्व क्लास से बिलोंग करते हैं और मेल हैं तो आपको 25 रुपये, और यदि आप फीमेल हैं तो आपको 13 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। तो ये जानकारी थी पेनाल पटवारी के लिए। तो जैसा कि मैं बता दूं कि हरियाणा की जो भी वैकेंसियां थी, जो भी रिक्तियां थी, उनके लिए जो अंतिम तिथि थी उसे बढ़ा दिया गया है। तो जो भी तिथि बढ़ाई गई थी उसके साथ ही यहाँ पर मैं उसके साथ ही आवेदन पत्र जो है आपसे आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो बढ़ी हुई तिथियों के साथ ही मैं आपको यहाँ पर सूचित कर रहा हूँ। अगली जो हमारी टॉप जॉब है वो भी हरियाणा SSC से है, ग्राम सचिव की वैकेंसी है। इसमें आपसे 697 पोस्ट के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, और यदि आपकी उम्र 17 से 42 साल है तो आप इसके लिए आवेदन करने की योग्य हैं। और इसके लिए जो आपकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसके साथ ही आपने हिंदी संस्कृत को अपने मेट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल के स्तर पर एक सब्जेक्ट के रूप में रखा हो या फिर हायर एजुकेशन में इसे एक सब्जेक्ट के रूप में रखा हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी हुई 18 जुलाई 2019 है। इसके लिए जो आवेदन शुल्क आपको अदा करना होगा वो सामान्य श्रेणी के लिए 100, अदर स्टेट के लिए भी 100। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और फीमेल क्लास से बिलोंग करती हैं तो आपको 50 रुपये का शुल्क अदा करना होगा जनरल कैटेगरी के लिए, और यदि आप रिजर्व क्लास के मेल हैं तो आपको 25 रुपये, और यदि आप रिजर्व क्लास की फीमेल यानी कि महिला हैं तो आपको 13 रुपये का शुल्क अदा करना होगा। तो ये जानकारी थी हमारी ग्राम सचिव भर्ती 2019 के बारे में, जो हरियाणा से निकली हुई है, हरियाणा SSC से निकली हुई है। अब हम अगली जॉब देखते हैं। तो अगली जॉब के रूप में हमारे EPFO में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, और 2189 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके जो भी इच्छुक छात्र हैं उनके उसको फॉर्म को फिलअप करने के लिए उनकी जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए, और आपकी अधिकतम उम्र 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, और आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आप इस पद को भर सकते हैं। साथ में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 5000 अल्फाबेट प्रति घंटा होनी चाहिए। इसके लिए जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 21 जुलाई है, और आवेदन शुल्क आपसे यदि आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन माध्यम से भरा जाना है, और जनरल से 500 रुपये, और रिजर्व क्लास यानी SC ST यानी विकलांग महिला और पूर्व कर्मचारी हैं यदि आप, तो आप 250 रुपये का शुल्क आपको अदा करना होगा। तो ये जानकारी थी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट EPFO में। तो EPFO की जॉब काफी अच्छी मानी जाती है, तो यदि आप इच्छुक हैं इस पद को आप भर सकते हैं। अब हम अगली पोस्ट देखते हैं। तो BPSC ने भर्तियां निकाली हैं 2019, तो BPSC ने PCS परीक्षा के लिए भर्तियां आमंत्रित कर ली हैं, और ये जो BPSC की परीक्षा होगी वो 65वीं BPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होगा आपका। तो उसके लिए आवेदन पत्र मांगा गई, आवेदन आपसे आमंत्रित किए गए हैं, और 434 इस बार PCS की वैकेंसीज निकाली गई हैं PCS के थ्रू। और PCS को जैसा कि अभी रूमर बना हुआ था कि इसमें एज बढ़ने वाली है, तो एज यथावत रखी गई है, 37 साल ही इस वर्ष जो है एज बढ़ाई नहीं गई है, और 37 साल ही आपकी जो एज रखी गई है मैक्सिमम। यदि आप फीमेल हैं तो आपके लिए 40 वर्ष यथावत है जैसे पहले था। और क्वालिफिकेशन के रूप में सभी उम्मीदवार जानते हैं कि ग्रेजुएशन के तहत ही आप आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। लास्ट डेट जो है आपको 24 जुलाई 2019 है, और जनरल से इसमें 600 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। और यदि आप फीमेल और रिजर्व क्लास से बिलोंग करते हैं और आप बिहार के निवासी हैं तो आपसे 150 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। तो जैसा कि रूमर था कि इसके एज में परिवर्तन किया जा रहा है, इसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही एज में कोई परिवर्तन हुआ है और ना ही इसके जो पाठ्यक्रम है उसमें कोई परिवर्तन हुआ है। तो आप पुराने पाठ्यक्रम के हिसाब से अपनी तैयारी इसके लिए शुरू कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी। और यदि आप इसके मॉक टेस्ट देख रहे हैं तो ऑनलाइन तैयारी प्लेटफॉर्म पर इसके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन तैयारी प्लेटफॉर्म पर जाएं और वहां पर BPSC स्टेट एग्जाम में जाकर BPSC को सर्च करें और इसके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम अगली जॉब देखते हैं। तो अगली जो हमारी टॉप जॉब है वो है UP SSC में निकली असिस्टेंट सहायक की भर्ती। तो ये भी काफी प्रसिद्ध जॉब है यूपी में, और अधिकांश छात्र इसमें जो है सम्मिलित होते हैं। तो इसके लिए जो है टोटल वैकेंसी जो UP SSC असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के तहत निकली है वो 1186 है, और इसको यदि आप भरना चाहते हैं तो यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है
तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपने जो 12वीं पास कर रखी हो, साथ में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी आप धारित करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई 2019 है आवेदन करने के लिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे 185 रुपये का शुल्क लिया जाएगा, और यदि आप रिजर्व क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको 95 रुपये का शुल्क आवेदन करते समय अदा करना होगा। तो ये जानकारी थी यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और अन्य जॉब देखते हैं। जो हमारी अगली जॉब है वो है हरियाणा टॉप सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC द्वारा निकली लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट यानी पटवारी की भर्ती के लिए। तो पटवारी की भर्ती लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के तहत की जानी है। इसके लिए 588 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यदि आपकी एज जो है 17 से 42 साल है तो आप इस पद के लिए आवेदन करने के लिए अहर हैं, और आपकी जो क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए या इसके समकक्ष होनी चाहिए, तथा आपने हिंदी संस्कृत उर्दू को एक विषय के रूप में हाई स्कूल या उसके बाद की कक्षाओं में लिया हो, तथा इसके लिए जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 30 जुलाई 2019 है, और जो इसके लिए आवेदन शुल्क है वो जनरल से 100 रुपये, और हरियाणा के यदि आप निवासी हैं और आप फीमेल हैं, फीमेल वर्ग से हैं तो आपसे 50 रुपये का शुल्क, और यदि आप रिजर्व क्लास से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं तो आपसे 25 रुपये, और यदि आप फीमेल हैं तो आपसे 13 रुपये का शुल्क अदा किया करना होगा आपको। तो ये जानकारी थी कैनाल पटवारी के बारे में, ये जानकारी थी आपकी पटवारी भर्ती 2019 के बारे में। तो जो भी उम्मीदवार अभी तक अपना आवेदन नहीं कर पाए हैं वो जल्दी से इसके लिए आवेदन कर लें। हरियाणा में काफी वैकेंसियां के भी जो रिक्तियां हैं वो निकाली गई हैं, उनके लिए यथाशीघ्र आप जो है आवेदन करें और इस साल जो है अपनी तैयारी करके जो है अपनी सफलता प्राप्त करें और सरकारी नौकरी हासिल करें। तो हरियाणा पटवारी के जो मॉक टेस्ट हैं वो हमारे ऑनलाइन तैयारी प्लेटफॉर्म पर अब उपलब्ध हैं, तो आप इसे स्टेट में एग्जाम्स में जाकर इसके जो मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी जो है सक्सेस के रेट को बढ़ा सकते हैं। अब हम अगली वैकेंसी जो है वो भी हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन यानी HSSC के क्लर्क रिक्रूटमेंट के बारे में है। तो क्लर्क रिक्रूटमेंट के तहत 4,858 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, और इसके लिए जो आवश्यक योग्यता है वो आपको 12th क्लास आपका जो फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो उम्र है वो 17 से 42 साल होनी चाहिए, और इसके लिए जो आवेदन की तिथि बढ़ाई हुई है वो आपकी 30 जुलाई 2019 तक है, तो आप 30 जुलाई 2019 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन का जो शुल्क है वो जनरल से 100 रुपये, और हरियाणा की फीमेल से 50 रुपये, और रिजर्व क्लास के मेल से 25 और फीमेल से 13 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है। तो ये जानकारी थी हमारी क्लर्क भर्ती 2019 हरियाणा SSC के थ्रू जो निकली है उसके बारे में। अगली हम जॉब देखते हैं। तो अगली जॉब हमारी जो टॉप जॉब है वो है आपकी टीचिंग से। तो नवोदय विद्यालय ने भर्ती निकाल दी है। तो नवोदय विद्यालय जो भी टीचिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए यह खुशखबरी है, और वो लगातार इसकी भर्तियां देखते रहते हैं कि नवोदय कब वैकेंसी निकाल रहा है, केंद्रीय में कब वैकेंसी निकल रही है। तो नवोदय ने अपने वैकेंसियां निकाल दी हैं और 2,370 पद के लिए वैकेंसियां निकाली हैं। इसके तहत आपको PGT, TGT, LDC व अन्य पदों के लिए निकली हैं। इसमें कमिश्नर की भी पोस्ट है आपकी। तो इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, यदि आप असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 45 वर्ष अधिकतम एज होनी चाहिए। PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए। कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी के तहत यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी एज जो है मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोअर डिविजन क्लर्क ग्रुप सी के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी एज जो है 18 से 27 साल होनी चाहिए। यदि आप TGT के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भी आपकी एज जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। तो PGT के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है 50% अंकों के साथ आपने MA या MSc या MCOM कर रखा हो या इससे अधिक कर रखा हो, तो और उसके साथ आपने आपके पास BEd की डिग्री होनी अनिवार्य है। यदि आप TGT के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 50% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर इससे अधिक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ में आपको BEd उत्तीर्ण होना चाहिए और CTET भी आपने उत्तीर्ण कर रखा हो, तो आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप
LDC के लिए देख रहे हैं तो LDC के लिए आप 12वीं यदि आपने कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 9 अगस्त 2019 है। तो एप्लीकेशन फीस की चलिए हम बात कर लेते हैं। यदि आप असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपसे 1500 रुपए का शुल्क अदा करना होगा आपको। यदि आप PGT TGT और अन्य जो टीचिंग वर्ग है उसमें यदि आप आवेदन कर रहे हैं या फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 1200 रुपए का शुल्क अदा करना होगा। इसके अलावा यदि आप लीगल असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपसे 1000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। तो ये थी हमारी टॉप 10 जॉब्स। आशा है कि आपको यहाँ पर दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऑनलाइन तैयारी पर बने रहें। हम प्रत्येक माह जो है आपको जो टॉप जॉब्स होती हैं उससे उसकी जानकारी प्रदान करते हैं। और यदि आप टेस्ट हैं सारे एग्जाम्स के वो हमारे ऑनलाइन तैयारी प्लेटफॉर्म पर अभ्यास कर अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर आपने, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और जो मैं वीडियो बना रहा हूं मेरी मेहनत सार्थक हो सके। चलिए धन्यवाद दोस्तों।